जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आइए जानते हैं आज के कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों से थर्सडे रात से जारी मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है और अभी कुछ आतंकियों के घिरे होने की इन्फॉर्मेशन है और उनके साथ गोलीबारी फिर से शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि गुरुवार को शोपियां के तुर्कवांगम में आतंकियों के होने की जानकारी मिलने के बाद सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए बताई गई जगह का घेराव कर लिया था। घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सोर्सेस के मुताबिक क्षेत्र में अब भी 2 से 3 आतंकी मौजूद हैं और अब दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, सभी प्रकार की आवाजाही को रोक दिया गया है और पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि आतंकियों को पकड़ने के लिए सभी प्रकार की तैयारियां की गई है। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड ने थर्सडे को एयर इनक्लब कोची में 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALS ध्रुव MK3 का नया बैच हासिल किया है। मुंबई आतंकी हमले के बाद तटीय इलाकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए HL को दिए गए ऑर्डर में से अब तक 12 समुद्री हेलीकॉप्टर इंडियन कोस्ट गार्ड को मिल चुके हैं और ICG बेड़े में शामिल होने से पहले दोनों हेलीकॉप्टरों को वाटर सैल्यूट दिया गया। दोस्तों मुंबई पर आतंकी हमला होने के 9 साल बाद मार्च 2017 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL के साथ लगभग 5,126 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करके ALH MK3 के 16 ध्रुव हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया गया था। वहीं कोस्ट गार्ड को अब तक 10 हेलीकॉप्टर मिल चुके थे, जिन्हें कोस्ट गार्ड के एयर फ्लीट में शामिल किया जा चुका है। 2 हेलीकॉप्टरों को इंडियन कोस्ट गार्ड के स्थापना दिवस पर ICG कोची कमांड के बेड़े में शामिल किया गया था और HL से मिलने वाले 16 ALH में से आज मिले 2 हेलीकॉप्टर 11वें और 12वें हैं। इन्हें एयर इनक्लब कोची के 845 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। इससे केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तट पर ICG को कोस्टल सिक्योरिटी मैनेजमेंट में बढ़ावा मिलेगा। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच 37वें दिन भी वॉर जारी है। इस बीच रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेनी हेलीकॉप्टरों ने उसकी सीमा में घुसकर हमला किया है। इस हमले में रूसी शहर बेलगोरोड की एक ऑयल फैसिलिटी तबाह हो गई। यूक्रेनी हेलीकॉप्टरों ने यह हमला रूस की सीमा के 40 किलोमीटर अंदर घुसकर अंजाम दिया है। पश्चिमी देशों ने आशंका जताई थी कि रूस अपने अटैक को सही ठहराने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है और यूक्रेन के ताजा हमले से दोनों देशों के बीच शांति की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगने की आशंका जताई जा रही है। रूस ने तुर्की में शांति से बातचीत के दौरान यूक्रेन में अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को धीमा करने पर सहमति जताई थी। रूसी शहर बेलगोरोड के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लेटकोव ने कहा था कि यूक्रेन के 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टरों ने फ्राइडे को कम ऊंचाई पर सीमा पार करने के बाद S-8 रॉकेट से हमला किया है। इस हमले में बेलगोरोड की फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी पूरी तरह से तबाह हो गई। गवर्नर ने बताया कि हमले के कारण लगी आग से 2 कर्मचारी घायल हो गए। इस आग के कारण आसपास के इलाके को खाली करवा लिया गया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे इस वीडियो में लोकल समय अनुसार सुबह 5:43 पर हुए हमले को दिखाया गया है। इस वीडियो में हेलीकॉप्टर आग की लपटों से दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस और यूक्रेन एक ही तरह के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में क्लियर तौर पर दोनों देशों के हेलीकॉप्टरों के बीच अंतर पता लगाना काफी मुश्किल है। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हम भारत को किसी भी सामान की आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं जो वह हमसे खरीदना चाहता है। हम डिस्कशन के लिए भी तैयार हैं और लावरोव ने बताया कि रूस और भारत के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से जब पूछा गया कि क्या भारत पर अमेरिकी दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित करेगा तो लावरोव ने बताया कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि कोई भी दबाव हमारी साझेदारी को प्रभावित नहीं करेगा। अमेरिका दूसरों को अपनी राजनीति का पालन करने के लिए मजबूर कर रहा है। और यूक्रेन में वॉर के बारे में पूछे जाने पर लावरोव ने बताया कि आपने इसे वॉर कहा जो सच नहीं है, ये बस एक स्पेशल ऑपरेशन है। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। हमारा मकसद क्यू शासन को रूस के लिए किसी भी खतरे को पेश करने की क्षमता के निर्माण से वंचित करना है। और लावरोव से पूछा गया कि वे सुरक्षा चुनौतियों के मामले में भारत का समर्थन कैसे कर सकते हैं तो लावरोव ने बताया कि बातचीत उन संबंधों की स्पेशलिटी है जो हमने कई दशकों तक भारत के साथ विकसित किए हैं और रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये वह आधार था जिस पर हम सभी क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि भारतीय विदेश नीतियों की स्पेशलिटी स्वतंत्रता और वास्तविक राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करना है। दोस्तों रूसी मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। रूसी विदेश मंत्री इससे पहले फ्राइडे सुबह सर्गेई लावरोव आज विदेश मंत्री S. जयशंकर से मिले। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच यूक्रेन, अफगानिस्तान, ईरान, इंडो पैसिफिक, आसियान और भारतीय उपमहाद्वीपों में इवेंट्स और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई है।
और ये आज ही पीएम मोदी से भी मिलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद, S-400 मिसाइल सिस्टम सहित कई मिलिट्री इक्विपमेंट की समय पर डिलीवरी आदि पर बात होगी। दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरो थर्सडे को 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद उनका यह पहला भारत दौरा है। वहीं भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रही तनातनी जल्दी खत्म हो सकती है। चीनी सेना ने इसके लिए हिंट दिए हैं। लद्दाख गतिरोध से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के बीच हाल ही में 15वें दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। थर्सडे को चीनी सेना ने कहा कि ये बातचीत पॉजिटिव रही, लेकिन इस दौरान चीनी सेना ने इस समझौते पर तीसरे पक्ष की दखलअंदाजी से इनकार किया है। चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता कर्नल वू क्यान ने कहा कि चीन और भारत बातचीत के माध्यम से सीमा मुद्दे को ठीक तरह से संभालने के लिए आपस में सहमत हुए हैं। उन्होंने ये फीडबैक भारत प्रशांत सुरक्षा मामलों पर US असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एली रेटनर के बयान पर दिया है। दोस्तों, एली रेटनर ने कहा था कि भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा था कि हम भारत को चीन से लगती सीमा LAC के लिए जरूरी सहयोग जारी रखेंगे। वहीं कर्नल वू क्यान ने कहा कि सीमा का मुद्दा भारत और चीन के बीच का आपसी मामला है और उन्होंने बताया कि 11 मार्च को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई 15वें दौर की कोर कमांडर लेवल की बैठक में दोनों पक्ष किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का कड़ा विरोध करते हुए बातचीत के द्वारा इसे सुलझाने के लिए सहमत हुए हैं। चीनी सेना ने कहा कि लद्दाख गतिरोध से जुड़े हुए दूसरे मुद्दों का समाधान होने से क्षेत्र में शांति बहाल करने में आसानी होगी। साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होंगे। दोस्तों, बता दें कि जब से अमेरिका ने भारत को LAC पर सपोर्ट देने की बात की है, तब से चाइना बौखलाया हुआ है। वहीं भारत के दौरे पर आए अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने रूस और भारत के रिश्तों पर सख्त कमेंट किया है। भारत की ऑफिशियल यात्रा पर आए अमेरिका के डिप्टी NSA दलीप सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अगर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC का उल्लंघन करता है तो रूस उसके बचाव में आएगा। दलीप सिंह बुधवार को भारत की यात्रा पर आए हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला कई भारतीय अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद दलीप सिंह ने कहा कि अमेरिका किसी भी देश को रूस के केंद्रीय बैंक के साथ वित्तीय लेन देन करते नहीं देखना चाहता है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस में मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।